बस 7 साल समुद्र में डुबा के रखोगे तो ऐसे ही निकलेगा। हाँ जी, करके दिखाया, ये करके दिखाया देख। और मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ इंटीरियर की बात करो भाई। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे मैं इसमें खड़ा हो रहा हूँ, 2022 की, मतलब मैन्युफैक्चर तो पुरानी है लेकिन रजिस्टर हुई है 3-3 मतलब 3 मार्च में, 1 महीने इस गाड़ी को हो गया। अभी 2022 में जब कस्टमर को पता है कि भाई वेंटो जाने वाली है, फॉक्सवैगन की गाड़ी है, इतना सक्सेसफुल नहीं है, चाहे पोलो की बात कर लो, वेंटो की बात कर लो, फिर कस्टमर ने क्यों ये वेंटो चूज करी है, आज उसकी हम बात करेंगे गौरव भाई से। ये है रेपोलिक्स के ओनर, सुनाओ भाई कैसे हो? बढ़िया ही। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए रेपोलिक्स के अलावा भाई, और क्या करते हो आप, कहाँ से बिलोंग करते हो, कैसे कैसे क्या सिस्टम चल रहा है? मैं फरीदाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। और आप ये रेपोलिक्स बिजनेस में कब से हो? रैप वगैरह पीपीएफ करना? रैप पीपीएफ में जो है वो मुझे हो गए 1.5 साल, उससे पहले डिटेलिंग का था 4 साल, 4 साल डिटेलिंग करी है हमने। अच्छा, चलो 4 साल से डिटेलिंग भाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 4 साल डिटेलिंग से पहले भाई 10 साल से फॉक्सवैगन ही चला रहे हैं। हाँ जी, और इंटरेस्टिंग बात है ये भी है कि फॉक्सवैगन की वेंटो ही चला रहे हैं, वेंटो और पोलो 2012 से 2014 तक पोलो रखी थी। अच्छा। हाँ जी, लेकिन उसमें स्पेस का इशू था तो इसलिए वेंटो परचेज करी 2014 में। हाँ जी, सेकेंड हैंड ली थी वेंटो पहले, सेकेंड हैंड ली थी, तो वो थी भाई की डीजल। और अभी भाई जो चला रहे हैं वो आपके यहाँ साइड लग जाएगा, ये है भाई पेट्रोल। तो क्यों भाई वेंटो ही क्यों? अब तो इतने सारे 2022 में ऑप्शंस आ चुके हैं आपके पास, एक ऑलरेडी वेंटो चला रहे थे, फिर से वेंटो, क्या क्या ऑप्शंस हैं? सियाज है, वरना है, होंडा सिटी है, ये ऑप्शंस हैं इस गाड़ी के अंदर। आप होंडा सिटी और वरना को तो छोड़ दो, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रही है वो सारी 14 लाख के पार, जो टॉप मॉडल की अगर मैं बात करूँ 14 लाख के पार। सियाज है, सियाज का भी 12-13 लाख रुपए का टॉप मॉडल आता है, लेकिन सियाज गाड़ी के ना इंजन में पावर है ना बॉडी हैवी है, क्योंकि वो हल्की बॉडी है, और ऐसा भी कोई ऐसा फीचर नहीं है कि बिल्कुल ही अलग आ रहा है, सनरूफ आ रही है अलग, ऐसा कोई फीचर नहीं है। मारुति का ठप्पा वैसे नहीं, जैसे वेंटो भाई चलो आपने सेडान चला ली, तो अभी आजकल एसयूवीज का जमाना सा चल रहा है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज देखते हैं, क्रेटा सेल्टोस वगैरह, आप वेंट ऑलरेडी चला चुके थे, तो जो लोग बताते हैं एक बार सेडान चला ली, ग्राउंड क्लियरेंस कम रहता है, हर जगह नहीं लेके जा सकते, फिर आपने मतलब वो SUVs क्यों नहीं देखे? सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने नुकसान हैं। सेडान गाड़ी का थोड़ा सा ग्राउंड क्लीयरेंस कम होने की वजह से इसका जो हैंडलिंग है वो भी बेटर होती है, और मेरा हाईवेज वगैरह पे ही थोड़ा सा रन ज्यादा है, तो मेरे को ऐसे टूटी फूटी रोडों पे जाना नहीं है। भाई फरीदाबाद के रोड बहुत टूटी फूटी रहती है, अब क्या करें, फरीदाबाद खाली नहीं कर सकते, फरीदाबाद नहीं छोड़ सकते, तो यही था कि लेंगे सेडान ही। हाँ, सेडान का ही मन था। जैसे कि इसका आर्मरेस्ट जो है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जैसे आप मेरी हाइट है, मेरी हाइट थोड़ी छोटी है। अच्छा। मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ये 4 पोजीशंस में सेट हो जाता है आर्मरेस्ट। तो देखो ड्राइविंग पे कितना ध्यान देते हैं फॉक्सवैगन वाले, मतलब जो ड्राइविंग के साथ ड्राइविंग कम्फर्ट जो है वो रहना चाहिए। ये है भाई, देखो भाई ने जैसे नीचे कर लिया, अब मान लो अगर एक ही पोजीशन पे इसको सीधा कर देते 90 डिग्री पे, तो फिर भाई करना जैसे ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लटक रहा है, देखो अभी ऊपर हो गया, अभी जिसकी हाइट छोटी है, जिसका हाथ छोटा है, हाँ। उसके लिए दिक्कत होगी, आर्मरेस्ट पे रखे रखे गियर लगाने में दिक्कत है। तो भाई ये माइलेज का देता है, चलो भगाने में तो स्वाद की मैंने बता दी, भगाने में बहुत अच्छा है इसका इंजन ये, लेकिन फिर माइलेज क्या दे देता है आपको? माइलेज जो मैं अगर पेट्रोल इंजन की बात करूं, मैं इस वाले वेंटो की बात करूं, तो ये 17 की एवरेज दे रही है। ए भाई नहीं, 17 नहीं, की नहीं, दे रही है नहीं, 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 अरे लो नहीं भाई, सिटी की बताओ, 17 तो आपने ज्यादा बोल दिया, 11 की दे रही है, 8 की दे रही है, अभी तो 8 की दे रही है भाई, अब 17 खाऊंगा, 12 की टोटल अभी दिखा रही है, 17 की तो बलेनो नहीं देती, 12.2 टोटल एवरेज है, 12 देती है। भाई मेरे को बता रहे थे भाई 7 जने बिठा के 700 किलोमीटर की ड्राइव करी थी वेंटो में। हाँ जी, ये बात सच है भाई? बिल्कुल, मतलब यार इसमें बीच में हम पे, मतलब एक तीसरा बंदा भी बिठाने से पहले बंदा सोचेगा, और आपने 7 बंदे बिठा के इतनी लंबी जर्नी कैसे की? 7 बंदों में से 2 बच्चे थे। अच्छा, तो 5 अडल्ट से। अच्छा, फिर तो ठीक है, मतलब फिर भी बीच में हम इसमें बहुत बढ़ाया। तो भाई जैसे बहुत टाइम से 10 साल से एक फॉक्सवैगन के यूजर रहे हैं, तो भाई ढंग से अपने पूरा एक्सपीरियंस बता सकते हैं। तो भाई लोग जैसे कहते हैं कि भाई इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है ना, कोई अगर पार्ट वार्ट टूट जाए तो बहुत खर्चा हो जाता है, इसका क्या हिसाब रहता है आप बताओ? सर देखो, कोई भी गलत तरीके से चलाएगा गाड़ी तो पार्ट टूटेगा, अगर सही तरीके से चलाते हो आप गाड़ी तो लाइफ जो है पार्ट्स की वो ज्यादा होती है। और मैं बात करूँ VW की बात करूँ या फिर रेनॉल्ट की बात करूँ या जर्मन गाड़ियों की बात करूँ, मैं इनके पार्ट्स होते महंगे हैं,
तो उसी हिसाब से लाइफ भी होती है उनकी, लाइफ स्पेन जो है वो ज्यादा होता है, तो कॉस्टिंग वही आ जाती है तकरीबन। मेंटेनेंस भी ठीक है इसका, 15,000 रुपए सर्विस होती है, इंजन ऑयल जो गिरता है इसमें सिंथेटिक डलता है इसलिए थोड़ा सा कॉस्टली है सर्विस। फिर भी कितनी की हो जाती थी पहले डीजल वाली की आपकी? डीजल वाली की 9-10 हजार, 9-10 हजार में हो जाती थी हर 15,000 किलोमीटर पे। हाँ। अच्छा, डीजल में ज्यादा भगाने में मजा आता था या फिर इस पेट्रोल को ज्यादा मजा आता है? तो इनिशियल पिकअप तो थोड़ा सा पेट्रोल का आता है, अगर 100 तक भगानी है तो पेट्रोल का मजा है, 100 के बाद भगानी है तो डीजल का अपना मजा है, क्योंकि डीजल में क्या है एवरेज भी थी पिकअप के साथ, परफॉर्मेंस के साथ एवरेज भी थी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एवरेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाता है। फोक्सवैगन फैन कह सकते हैं आपको? नहीं, फैन तो नहीं कह सकते भाई, यार दूसरी फोक्सवैगन की गाड़ी ले रहे हो वरना लोग तो झुक जाते हैं। सही बताऊं तो एक बार जिसने पोलो चला ली ना वो फिर कहता है भाई मेरे को सिरदर्दी नहीं चाहिए, ना तो रीसेल मिलती ढंग की, फिर कहते हैं जब भाई मेंटेनेंस करवाने जाओ तो जेब में पहले तो एक गड्डी चाहिए पैसों की। ये वाला एक कहावत और है, अगर किसी से दुश्मनी उतारनी हो तो उसको VW दिलवा दो। हाँ। और आप दोबारा वहीं पे पहुंच गए जाके जहाँ पे अब ऐसा लग रहा है कि यार इन गाड़ियां जाती जाती दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आती तो शायद से मैं भी छोड़ देता, शायद से मैं भी ना करता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। नहीं, जब आपको पता था भाई ये जा रही है वेंटो ही जा रही है ना, फिर भी आपने वेंटो, यार हद है वेंटो का। आप अगर इंटीरियर देखे, एक्सटीरियर देखे, कोई ऐसा नहीं है कि 10 साल पुरानी गाड़ी है भाई, लगता है 10 साल से पुराना सा। तो आप होंडा सिटी से कंपेयर करो ना, वरना से कंपेयर करो, जो 10 साल पहले वरना आती थी, होंडा सिटी आती थी, उससे कंपेयर करो आप इंटीरियर और एक्सटीरियर, वो बिल्कुल भद्दी से लगेंगे। हाँ, ये अच्छी लगेगी उनसे तो ठीक है, उनसे तो 10 साल वाली से कंपेयर करो ना आप, उनसे कंपेयर करो। हाँ, थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, लेकिन उसी हिसाब से प्राइसिंग भी तो देखो आप। हाँ, प्राइस के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, 11 लाख ऑन रोड। और भाई पर पंजे दबा के दिखा दे इसी बात पे, आप बात हो गई। ये देखो भाई, ये 105 BHP है और जो भागती है वो मेरे ख्याल से कोई और नहीं भागेगी। ये देखो जो ये RPM वाली सुई है ना टैकोमीटर में, ऐसी चढ़ती चली जाती है शूं करके, और फीचर्स भी बहुत प्यारे प्यारे आते हैं इसके अंदर जो दूसरी गाड़ियां नहीं देते। जैसे इसका जो वाइपर वाला ये सिस्टम है, पहले बोनट में अटकता था भाई। हाँ जी, राइट वाला कर दिया। हाँ, अपडेट कर दिया, अटकता नहीं है उठाने पे वाइपर को। अच्छा, रीसेल क्या मिल गई थी आपको पुरानी वाली वेंटो की? 10 साल पुराने हो गए इसलिए बेची आपने जो? हाँ जी, 2 लाख रूपए। 2 लाख रूपए? और ली कितनी की थी उस टाइम पे? उस टाइम पे वो थी 10 लाख रूपए की गाड़ी। 10 लाख की? 2 लाख की बिकी, बहुत है सर, डेप्रिसिएशन हो गया। पर ली किसने भाई, क्योंकि बाहर के स्टेट वाले ने लियो किसी ने? बाहर के स्टेट, मैंने तो शोरूम पे दिए। अच्छा, शोरूम एक्सचेंज करी है आपने? एक्सचेंज में। तो 9 लाख रुपए की पड़ी आपको इवेंटो? हाँ जी। अच्छा, इनके छोटे छोटे से तो भाई शोरूम रहते हैं फोक्सवैगन वालों के, डिपेंड करता है किस सिटी में रह रहे हैं। हाँ, फरीदाबाद का छोटा सा ही तो है। हाँ, फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ तो सर्विस सेंटर भी नहीं है। हाँ, दिल्ली जाना पड़ता है। जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, चाहे मैं इंटीरियर के पार्ट्स की बात करूँ, एक्सटीरियर के पार्ट्स की बात करूँ। ये तो सबको ही पता है कि VW और जर्मन गाड़ियाँ हैवी होती है। और मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ इंटीरियर की बात। करो भाई। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, मैं इसमें खड़ा हो रहा हूँ, 85 किलो मेरा वेट है। हाँ। और मैं इसमें कूद रहा हूँ। अगर ये मारुति है, हुंडे की गाड़ी, दोबारा करना जरा, दोबारा करना, आधे नक्के निकल जाते हैं। अच्छा, बहुत पूरा आपने इस पर डाल रखा, कितना वेट होगा आपका? 85। और ये पीछे वाले डोर के साथ भी है? सबके साथ है, वो भी वारंटी में 10 साल की वारंटी के साथ कवर्ड आता, स्क्रैच लेस। अच्छा, उसमें स्क्रैच नहीं पड़ेंगे? स्क्रैच नहीं पड़ेंगे। कैंची चाकू से कुछ भी कर लो? नहीं सर, अगर उधेड़ोगे तो बिल्कुल पड़ेंगे। अच्छा, देखना भाई, इस पे भी हो जाएंगे भाई। वाह, हिम्मत देखो भाई की यार, ये तो बढ़िया अपनी गाड़ी में ज्यादा आती है वैसे। हाँ, ये शोरूम वाले करके दिखाते हैं, शोरूम वालों ने करके दिखाया था? नहीं, शोरूम वालों ने ये करके दिखाया था, देखिए सर हमारी गाड़ी, ये क्या ये करके दिखाया था शोरूम वालों, वंस मोर ये करके दिखाया, ये करके दिखाया, देख। इसके अलावा भी कुछ कर देते हैं वो? इसके अलावा और खड़े होने के अलावा? नहीं कुछ सर्विस सेंटर पे ले जाके दिखा दें कि भाई देखो कितना कम खर्चा हो रहा है हमारी गाड़ी में? इसके अलावा बस यही है कि उनसे ये पूछ लो कि यार स्कोडा और आपकी गाड़ी में, रैपिड में और इसमें क्या डिफरेंस है, वो चीज़ वो नहीं बता पाते। नहीं, मेरे को पता लगा कि अगर हम स्कोडा की तरफ जाए, स्कोडा की रैपिड आती थी या VW की वेंटो, तो उसमें क्या है, उसमें आपने क्यों नहीं ली रैपिड? रैपिड का ऐसा था, रैपिड मैंने इसलिए नहीं ली, मैंने रैपिड लेने ही जा रहा था मैंने, क्योंकि वेंटो चला रखी थी। हाँ। मैंने कि रैपिड की थोड़ी सी मेरे को लुक ठीक लगती है उसकी, मोंटे कार्लो वगैरह की। हाँ।
वो थोड़ी सी कॉस्टली मिल रही थी और बंद हो गई थी, इस वजह से एक दो पीस ही बच रहे थे, मैट में मिल रही थी मेरे को और वो मिल रही थी 15.5 लाख की। अब तो मैट तो सही रहता ना, मैट करते दूसरों की गाड़ियाँ तो इसको ग्लॉस को ही मैट कर देंगे हम तो, हमारे पास तो जब हमारी खुद की दुकान है तो हम ग्लॉस को भी मैट कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने रैपिड इसलिए ली नहीं, बंद हो गई। थोड़ा सा प्राइसिंग वाइज। अच्छा, और स्लाविया भी आप देख सकते थे भाई, स्लाविया तो उस टाइम तक आ चुकी थी, स्लाविया आ चुकी थी, 10 साल हो चुके थे गाड़ी को, मेरे को जल्दी से जल्दी गाड़ी बदलनी थी, उस टाइम फरवरी तक आई नहीं थी गाड़ी क्योंकि 10 साल पूरे हो चुके थे पुरानी गाड़ी को। बाकी भाई भाई बता रहे थे कि जर्मन वाले मतलब जैसा इनका तो पेंट का ही काम है ना, सबसे बेस्ट पेंट होता है बताया भाई इनका। हाँ जी, सबसे बेस्ट, बस 7 साल समुद्र में डुबा के रखोगे तो ऐसे ही निकलेगा। हाँ जी, कुछ भी नहीं बिगड़ता इनकी गाड़ियों का। चलो गौरव भाई, तो ये बढ़ाइयाँ तो बहुत हो गई, कुछ नेगेटिव बताओ इस गाड़ी के बारे में। नेगेटिव ये है, एक तो जो अलॉय साइज है वो थोड़ा सा छोटा दे दिया उन्होंने, अच्छा। करना चाहिए था कम से कम, यही नेगेटिव लगा मेरे को थोड़ा सा। फीचर्स वाइज से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं लेना, फीचर नहीं है, वो फीचर नहीं है, सनरूफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। बेसिक फीचर्स जो होने चाहिए वो है इस गाड़ी। और जो आवाज करती है भाई बाहर इतनी ज्यादा, बाहर करे तो करे, चाहे बेशक से कितने हॉर्न बजाए, बाहर अंदर तो आवाज नहीं आती कोई ना। सही बात है भाई, ये तो भाई ने सही कहा, मतलब बाहर करती रही आवाज, बिल्कुल केबिन साइलेंट रहता है भाई इसका। टाटा की आप गाड़ियों को देखेंगे, टाटा की गाड़ियां बहुत आवाज करती हैं, केबिन लेकिन साइलेंट है बिल्कुल। और यहाँ पे देखो भाई, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से केवल ये पिछले वाला सीधा बहुत ही आधा खुलता है, आधा ही खुलेगा और फिर इसको ऊपर, मतलब इससे नीचे आप इसको खोल ही नहीं सकते। वैसे क्रेटा व्रेटा में हम देखते हैं भाई, यहाँ से पीछे से उखड़ने लग जाता है पेंट 5-6 साल में। हाँ, आपने देखा होगा जो पुरानी i20 आ रही है, क्रेटा आ रही है, उसमें चिपिंग हो रही है, पेंट चिप हो रहा है, छत पे से ज्यादा हो रहा है, डिग्गी पे से ज्यादा हो रहा है। ये मतलब कि 2015 से 17 मॉडल के बीच की जो गाड़ियां मैन्युफैक्चर हुई थी हुंडई की, उनका छत का, डिग्गी का, आपका क्वार्टर पैनल का, ये पेंट चिप हो रहे हैं, पूरे पूरे पपड़ी बन के उतर रहे हैं। और इसको वारंटी भी नहीं देते होंगे हुंडई वाले, वो सीधा सीधा ये कहते हैं सर आपके एरिया का पानी खराब है। हाँ, और इसका जो 10 साल आपकी गाड़ी के हुए थे उसमें कुछ हुआ था ऐसा पेंट भी नहीं, जबकि मेरी गाड़ी रनिंग बोर्ड दोनों पे चक रहे थे, उसमें डेंट था। देखो डेंट जब एक जगह से आ जाए तो उसकी चीज की वारंटी नहीं है वहाँ, हाँ। से उसके बाद भी वहाँ से पेंट जंग नहीं लगा। तो ये फोक्सवैगन वेंटो भाई आपकी, ये 1 लीटर वाली है भाई की, भाई आवाज बहुत करता है इसका इंजन जो है आपके सामने। हाँ, मतलब एसी ऑन है तो बहुत नॉइज करता है, वैसे सारी चीजें नहीं मिल सकती। बाकी फुल्ली सेटिस्फाइड हो गाड़ी लेने के बाद, है ना, ब्रेकिंग हो, भगानी हो, राइड हैंडलिंग सब कुछ बढ़िया है। प्लस आप ये बता रहे थे अगर स्टेयरिंग इसका मतलब आप हाथ छोड़ दोगे ब्रेक लोगे। हाँ, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, हाँ, हमें, और हाँ, स्टेयरिंग भी अगर छूट जाता है तो वो एक लेन में ही रुकेगी गाड़ी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सीधी रुकेगी। हाँ, जैसे बलेनो या स्विफ्ट वगैरह देखते वो एकदम से मुड़ जाती है। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए फोक्सवैगन वेंटो के साथ, और आपको कांग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू कार। चलो भाइयों, वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।